मैं एशविली नॉर्थ कैलोरिना के बाहरी इलाके में एक शांत सड़क पर रहता हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ घर इतने पास हैं कि आप अपने पड़ोसियों को जान सकते हैं, लेकिन इतने दूर हैं कि आप ये नहीं देख सकते कि वे अपने बंद दरवाजों के पीछे क्या करते हैं। और पिछले 20 सालों से मैंने इस सड़क को जीटी और क्रिस्टी कॉर्ड के साथ शेयर किया था। वे, या यूं कहें कि वे ऐसे लोग थे जिनसे अच्छे से निभाया जा सकता था। सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, हम लाइफ टाइम के लिए दोस्त बन गए थे। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया। मैंने कई दिनों से जीटी और क्रिस्टी को नहीं देखा था, जो कि एबनॉर्मल था। वे हमेशा बाहर होते थे, बगीचे में काम करते हुए, अपने कुत्ते को टहलाते हुए। मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल सीधा वॉइसमेल में चली जाती। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैंने खुद से कहा कि शायद वे बिना बताए शहर से बाहर चले गए होंगे। दिन बीतते गए और मेरी चिंता बढ़ती गई। उनके घर में जीवन का एकमात्र संकेत खाना डिलीवरी करने वाले लोग थे, जो दरवाजे पर बैग छोड़ जाते और कोई तुरंत उठाने नहीं आता। इससे मुझे लगा कि शायद वे बीमार हैं। इतने बीमार के दरवाजा खोलने के लिए भी वो उठ नहीं सकते। कई दिनों बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जब भी मैं उनके घर के सामने से गुजरता, मेरी नज़र उनके खाने के बैग्स पर रुक जाती। क्रिस्टी को खाना बनाना बहुत पसंद था, फिर वे इतना खाना क्यों मंगवा रहे थे और उसे उठाया क्यों नहीं जा रहा था। एक रात करीब 11 बजे मैंने अपनी खिड़की से देखा कि एक और एक डिलीवरी कार कॉट्स के घर के सामने आकर रुकी। मैंने देखा कि एक आदमी कार से उतरा, दरवाजे पर बैग रखा और बिना किसी के दरवाजे खोलने का इंतजार किए चला गया। उसकी हरकतें मुझे अजीब लगी, जैसे वो यांत्रिक तरीके से काम कर रहा हो, किसी के दरवाजे खोलने की प्रतीक्षा किए बिना। ये वो आखिरी धक्का था जो मुझे अंदर जाने के लिए मजबूर कर गया। मैंने घर की ओर बढ़ने का फैसला किया। लाइट्स बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई नहीं था। मैंने फैसला किया कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, खासकर जब मैंने जीटी और क्रिस्टी को इतने लंबे समय से जाना था। मुझे याद है कि वे बैकडोर के पास एक फूल के गमले के नीचे एक बैकअप चाबी छिपाते थे। ये उन्होंने इसलिए किया था कि अगर कभी वे अपनी चाबी भूल जाएं। और चूंकि हम जीवन भर के दोस्त थे, उन्होंने मुझे भी इस जगह के बारे में बताया था। जब मैं पीछे पहुंचा तो मैंने नीचे झुककर गमले को उठाया, वहाँ चाबी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सबसे पहले जो मैंने महसूस किया वो गंदे थी, एक तीखी सड़ी गली बदबू। यह खुशबू भोजन की बदबू नहीं थी। मैंने सोचा कि यह किस चीज़ की बदबू है। मैं किचन से होकर चलने लगा। किचन के बैग्स वहीं पड़े थे, कुछ खुले हुए कुछ बंद। जेटी, क्रिस्टी, मैंने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ा। हर चीज़ अस्त व्यस्त थी। फर्श पर मैगजीन्स बिखरी हुई थी और फर्नीचर भी अपनी जगह से हटा हुआ था, जैसे किसी ने लड़ाई में धक्का मुक्की की हो। मेरी नज़र फर्श पर कुछ अटपटा दिखने वाली चीज पर पड़ी, एक काला धब्बा जो वहां नहीं होना चाहिए था। वो खून का एक छोटा सा धब्बा था, सूखा और काला। उसी क्षण मैंने अपना सिर उठाया और जीटी और क्रिस्टी के कमरे की ओर देखा। बदबू वहीं से आ रही थी। मुझे पता था कि अंदर क्या मिलेगा, लेकिन मैं उसे देखने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कमरे की लाइट्स ऑन की और वहां उन्हें देखा। वहां जीटी और क्रिस्टी लेटे हुए थे। उनके शरीर बिस्तर पर वैसे ही थे जैसे वे सोने गए हों और कभी जागे ना हों। बस फर्क ये था कि वे चादरों के बिना थे। उनकी त्वचा पीली और मुरझाई हुई थी। उनकी आंखें आतंक से खुली हुई थीं, जिसने मुझे लगभग उल्टी करवा दी। इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी मौत बहुत हिंसक थी। मैं ना तो अपनी नज़रें हटा सका, ना ही दिल, ना ही सांस ले सका। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां कितनी देर तक रहा, लेकिन अचानक मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, कुछ ऐसा जिसने मुझे हकीकत में वापस ला दिया। मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मेरे मन में पहला ख्याल छुपने का आया, लेकिन समय नहीं था। मुश्किल से लाइट बंद करने और बिस्तर के नीचे छुपने का मौका मिला। वहां की बदबू बहुत भयानक थी, जैसे सभी सड़े गले शवों की दुर्गंध वहीं जमा हो गई हो। बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और एक काली फिगर हल्की रोशनी में दिखने लगी। बिस्तर के नीचे से मैंने तुरंत रॉबर्ट अवेंस को पहचान लिया। वह एक और एक पड़ोसी था, एक ऐसा आदमी जो हमेशा शांत रहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वहां वो खड़ा था जीटी और क्रिस्टी के शवों को देखते हुए। मैं एकदम शांत था, अपनी सांसों को रोके हुए। मुझे पता था कि अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मैं मर जाऊंगा। ओवेंस एक भयानक शांति के साथ आगे बढ़ा। आखिरकार जब वो इतना करीब आ गया कि लगभग अपने पैरों की उंगलियों से मुझे छू सकता था, वो रुक गया। कुछ सेकंड्स बाद वो मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। मैं वहां नहीं रुक सकता था, मुझे पुलिस को बुलाना था। मैंने धीरे धीरे उस पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया जहां से मैं अंदर आया था। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, किचन के एक शेल्फ से कुछ गिरा जो जोर से फर्श पर गिरा और उसकी आवाज़ घर में गूंज उठी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था
और वंश का चेहरा एक हत्यारे के गुस्से से भरी अभिव्यक्ति में बदल गया। मुझे पता था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे लड़ना पड़ेगा। उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा और मुझ पर ऐसी ताकत से झपटा जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरे गले को कस कर दबा रही थीं। मेरे हाथ कुछ ढूंढ रहे थे जिसे मैं हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकूं। मैंने जमीन पर पड़ी एक फ्राइंग पैन पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा, जिससे मुझे उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने का मौका मिल गया। मैंने उस पर फिर से झपटा और उसे मारने लगा। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं उसे मार डालूं या कम से कम उसे बेहोश कर दूं। मैंने देखा कि उसने वही फ्राइंग पैन उठाई है जिससे मैंने उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि वो मुझे उठाता, मैं फिर से उस पर झपटा और उसे एक फर्नीचर के टुकड़े से टकरा दिया। सारे बर्तन और कैबिनेट हमारे ऊपर गिर गए। रॉबर्ट अभी भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। उसने फिर से पैन पकड़ लिया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों को उसी पल एहसास हुआ कि वो कैबिनेट में फंस गया था। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपनी पूरी ताकत से उठकर भागने की कोशिश की। पास के पड़ोसी घर से बाहर निकलकर ये देखने के लिए आए थे कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि ये कोई घरेलू हिंसा थी। पुलिस को बुलाओ, अभी पुलिस को बुलाओ। डरी हुई मेरे पड़ोसी की पत्नी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को बुलाया। जैसे ही वे मेरी मदद के लिए आए, मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस आखिरकार आई तो उन्होंने मुझे सदमे की हालत में पाया, लेकिन जब ऑफिसर्स कॉर्ड्स के घर में घुसे और उन्होंने वो देखा, तब सभी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। रॉबर्ट जेसन एवेंस भाग गया था, लेकिन पुलिस के साथ थोड़े से संघर्ष के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी वो जिंदा है लेकिन जेल में है। उसने बुरी तरह से मेरे दोस्तों की हत्या कर दी थी और खाने की डिलीवरी मंगवाना शुरू कर दिया था ताकि किसी को ये शक ना हो कि वे गायब हो गए हैं। बाद में उसने कबूल किया कि उसने उन्हें जलाने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने ऐसा नहीं किया। ओवंस कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो बात मुझे आज भी ज्यादा सबसे खलती है वो यह है कि शिकार तीन लोगों की मौत है। वो यह है कि उसने तीन लोगों को मारा था। हाँ, आपने सही सुना, दो नहीं बल्कि तीन। क्रिस्टी की हत्या के समय वो प्रेग्नेंट थी, भले ही वो कुछ महीने की ही क्यों ना हो। ये सब मार्च की एक दोपहर 1973 में हुआ था। मैं एक छोटी सी लोकल पिज्जेरिया में काम करता था। उस समय मोटरसाइकिल डिलीवरीज बहुत फेमस नहीं थी, बल्कि फूड डिलीवरी भी इतनी प्रचलित नहीं थी। लेकिन कुछ जगहें जो फूड डिलीवरी करती थी वो इसे इस बाइक से करना पसंद करती थी, और मैं उनमें से एक था जो डिलीवरी करता था। असल कहानी तब शुरू हुई जब मुझे सूर्यास्त से ठीक पहले एक ऑर्डर मिला। ग्राहक एक दूर दराज इलाके में रहता था, एक पुराने घर में। पिज्जेरिया के मालिक ने मुझे जल्दी जाने और अंधेरा होने से पहले वापस आने की चेतावनी दी थी। ये पता हमें सामान्यतः नहीं मिलता था, लेकिन उन जगहों में टिप्स अच्छे मिलती थी। इसलिए मैंने पिज्जा का डब्बा उठाया, अपनी बाइक पर सवार हुआ। वो घर सुनसान लग रहा था। मैंने डोरबेल बजाई और इंतजार किया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से घंटी बजाई और जैसे ही मैं जाने वाला था, दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा मजबूत आदमी बाहर झुका। पिज्जा? मैंने सिर हिलाया और उसे डब्बा सौंपा, पेमेंट का इंतजार करने लगा। अंदर आओ, पैसे अंदर हैं। मुझे पता था कि यह गलत डिसीजन था, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय मुझे मेरे काम के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, मुझे अक्सर आलोचना झेलनी पड़ती थी। मुझे लगा कि वो मुझे अच्छा टिप देगा और सब कुछ परफेक्ट होगा। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे कमतर समझे और मुझे निकाल दे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाने के बाद मैंने उसे एक संकीर्ण गलियारे से एक खाली कमरे की ओर जाते हुए फॉलो किया, जहाँ छत से लटकती एक लैंप की मध्यम रोशनी थी। यहीं रुको। उस निर्देश के बाद वो आदमी दरवाजे के पास चला गया और मैं अकेला रह गया। कुछ सेकंड्स बाद वो एक मरोड़े हुए नोट और एक मुस्कान के साथ लौटा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने मुझे नोट दिया और जब मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी सांसें थम गई। एक ही पल में उसने मुझे दरवाजे की ओर धकेला। उसने एक हाथ से दरवाजा खोला और दूसरे हाथ से मुझे अंधेरे में खींच लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर पाता, मुझे एक झटका महसूस हुआ जिसने मुझे चकरा दिया। भ्रमित हालत में मैंने देखा कि आदमी ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और मुझे बांध दिया। मेरे सामने एक कोने में दो और औरतें थीं, बंधी हुई, और उनके चेहरे पर डर था। तब मुझे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वो आदमी बस मुझे बांधने और चुप करने का काम पूरा करके चला गया। अगले कुछ मिनट बहुत लंबे लगे। वो वहां क्या कर रहा था? वो आदमी मेरे साथ क्या करने वाला था? क्या मैं मरने वाला था?
मेरे विचारों को उस समय बाधित किया गया जब कुछ मिनटों के बाद वो आदमी फिर से नीचे आया। वो एक पुराने स्टूल पर बैठकर हमें चुपचाप देख रहा था। उसकी नजरें एक से दूसरी महिला पर जा रही थी, मानो वो कुछ तय कर रहा हो। दूसरी महिलाएं मुश्किल से हिल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक साफ डर नजर आ रहा था। मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन ये असंभव था। मैं मरना नहीं चाहता था और मुझे पता था कि ये मेरे हाथ में नहीं था। अंत में वो आदमी उठकर पहली महिला के पास गया। उसने रोना शुरू कर दिया, गाग के पीछे से भीख मांगने लगी, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुन रहा था। बिना कुछ कहे, बिना किसी चेतावनी के उसने उस चाकू को उसकी छाती में घुसा दिया। महिला की चीख तहखाने में गूंज उठी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। उसके शरीर से खून बहने लगा और कुछ समय बाद वो निष्क्रिय हो गई। मैंने मदद के लिए रोने की कोशिश की, लेकिन गाग के कारण मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर वो आदमी दूसरी महिला की ओर मुड़ा, एक तेज मूवमेंट के साथ उसने उसका गला काट दिया और खून की एक धारा दीवारों पर छिटकने लगी। एक बार फिर बेसमेंट में सन्नाटा छा गया। जब वो आदमी दूसरी महिला को मार चुका था एक के बाद एक, जब तक कि मैं अकेला नहीं बचा। मुझे पता था कि मेरी बारी आने वाली है, लेकिन इससे पहले कि वो अगला कदम उठा पाता, एक आवाज ने एक भयानक अनुष्ठान को बाधित कर दिया। कोई बेसमेंट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो आदमी रुक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने चिढ़ते हुए चाकू को एक तरफ रखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका था और उसके पीछे से एक आदमी झांक रहा था। वो आदमी सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। दूसरा आदमी उसका डैड था, जो भ्रमित होकर उसे देख रहा था। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाता, उसने उस चाकू से उस पर बार बार वार किया। मैंने 30 से ज्यादा बार गिना, जिसमें पीड़ित ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। अपने पिता के निर्जीव शरीर को घसीटते हुए उसने उसे बेसमेंट में प्रवेश द्वार के पास छोड़ दिया। उसे भी मरना था, लेकिन अभी नहीं, ये बाद में होना था। लेकिन इस बार, पहली बार, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। उसके बाद वो आदमी चुप था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने पूरी तरह से मुझे नजरअंदाज कर दिया, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। हत्यारा मेरे बगल में खड़ा था, स्थिर और एक निश्चित बिंदु को घूर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। एक या दो घंटे बाद मैंने किसी और को दरवाजा खोलते हुए सुना। मॉम, मैं बेसमेंट में हूँ, प्लीज जल्दी आओ, पापा को कुछ हुआ है। अगर तुम चिल्लाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? डरा हुआ मैं सिर हिलाकर सहमत हो गया। मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी, जैसे सीढ़ियों से नीचे आ रही हो और पास आती जा रही थी। जब वो आखिरकार नीचे आई तो मैंने उस आदमी की बात मानी और चीखा नहीं। मैं चुप रहा, देखते हुए कि कैसे वो औरत पास आती है। जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे पहुंची, उसकी नजर चारों ओर फैले भयानक दृश्य पर पड़ी। मारी गई महिलाओं के शव, ताजा खून अभी भी फर्श पर था और उसका पति दरवाजे के पास निष्क्रिय पड़ा था। वो एक पल के लिए ठिठक गई, भय से उसका चेहरा विकृत हो गया। वो इस सब को समझने में असमर्थ थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वो आदमी उसके पीछे से निकला, धीरे धीरे उसकी ओर एक छोटे हथौड़े के साथ बढ़ते हुए। औरत चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख तब तक जारी रही जब तक उस आदमी ने उसे बेरहमी से हथौड़े से नहीं मारा। उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे बेसमेंट के बीच में घसीटा, जहाँ उसने उसे फिर से एक बार हथौड़ा मारा। मारने की आवाज और हड्डियों के टूटने की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसे ऐसी सजा मिली। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज ऐसे हिंसा को सही ठहरा सकती है। उस समय मैं इतना आहत था कि मेरी एकमात्र प्रतिक्रिया था रोना, रोते रहना, जैसे कि वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा हो। आखिरकार औरत का शरीर जमीन पर निष्क्रिय पड़ा था, आदमी वहीं खड़ा था, उसकी माँ के खून से सना हुआ। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा और फिर से खड़ा हो गया, भ्रमित और स्तंभ। शांत रहो, अब सब कुछ खत्म हो गया है, जो एक अनंत काल की तरह लग रहा था। उसके बाद हथियारा कंधे को झुकाकर खड़ा था, जैसे उसने जो कुछ किया हो उसका भार आखिरकार उसे कुचल रहा था। बिना कुछ कहे वो दीवार की ओर चला गया, जहां एक फोन लटक रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो, मैं एडमंड कैंपर बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी अपनी माँ को मार डाला और कुछ और लोगों को भी। ऑपरेटर को अपना पता बताने के बाद उसने फोन रख दिया और चुपचाप खड़ा रहा। यह ऐसा आदमी नहीं लग रहा था जिसने अभी बहुत सारे लोगों को मारा हो। एडमंड धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चला गया और बेसमेंट से बाहर निकल गया। मिनटों बाद मैंने दूर से सायरन की आवाज सुनी, पुलिस आ चुकी थी। लाल और नीली पत्तियां छोटे बेसमेंट की खिड़कियों से छन रही थीं। जल्द ही मैंने तेज कदमों की आवाज और आदेश चिल्लाते हुए सुनी। बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुला और एक तेज रोशनी ने सीढ़ियों को चमचमा दिया। पुलिस कर्मियों का एक ग्रुप नीचे आया,
उनकी बंदूकें उठी हुई थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे का हाव भाव सतर्कता से बदल कर भय में बदल गया था। उनमें से एक मेरी ओर दौड़ा और मुझे खोलने लगा, जबकि दूसरा जमीन पर पड़े शवों की ओर बढ़ा। सभी मौतों की पुष्टि कर रहा था। आने वाले दिनों में एडमंड कैंपर की कहानी राष्ट्रीय समाचार बन गई। पुलिस को अन्य हत्याओं के सबूत मिले। युवा महिलाएं जो गायब हो गई थीं, जिनका कोई अता पता नहीं था, मुझे बार बार सवालों के घेरे में ले लिया गया। जब पुलिस ने मुझसे सवाल किए तो वे मुझसे जानकारी निकालने की कोशिश करते रहे जो मेरे पास नहीं थी। एडमंड कैंपर का मुकदमा चला और उसे दोषी ठहराया गया, और विश्वास करो या नहीं, वो अभी भी जिंदा है। कोई नहीं जानता कि इस हथियार के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या उसने अपने खून की प्यास उन महिलाओं और अपने माता पिता को मारकर बुझा ली है? क्या वो अपनी उम्र कैद से बचने के लिए उत्सुक है? क्या वो फिर से औरतों को मारने के लिए बाहर आना चाहता है? कोई नहीं जानता। अब तक एकमात्र बात यह है कि अगर ये आदमी कभी भी भागा तो निश्चित रूप से मैं इसका शिकार सबसे पहले बनूंगा। मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं था जो ज्यादा ऑर्डर करते हैं। मेरी पत्नी और मुझे खाना पकाना पसंद है, लेकिन उस दिन हम दोनों का मन नहीं था। हमने एक नई पिज्जेरिया से पिज्जा ऑर्डर किया जो कुछ महीने पहले ही खुली थी, बस इसे ट्राई करने के लिए। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम क्या करने जा रहे थे। हम अपने घर में एक खतरनाक खून का प्यासा प्राणी को बुला रहे थे, एक ऐसा इंसान जिसे इतिहास के सबसे विभत्स और अनजाने सीरियल किलर के रूप में जाना जाएगा। ऑर्डर देने के 30 मिनट बाद डोरबेल बजी। दरवाजे पर डिलीवरी मैन था। वो एक सामान्य इंसान जैसा दिख रहा था, शायद मुझसे छोटा था, एक क्लासिक डिलीवरी बॉय जैकेट पहने, और उसने मुझे पिज्जा दिया और मैंने उसे पैसे दिए। अभी तक कुछ भी अजीब नहीं था। जब वो मुझे चेंज वापस दे रहा था तो मैंने देखा कि वो मेरे कंधे के ऊपर से मेरे घर के अंदर देख रहा था। मैंने पलट कर देखा और मेरे पीछे मेरी पत्नी बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। मेरे घर में ऐसा क्या है जो तुम्हारा ध्यान खींच रहा है? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ देखा, लेकिन शायद मैं गलत था, वो हकलाते हुए बोला। वो फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान जबरदस्ती लग रही थी। मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं काफी परेशान हो चुका था। जब उसने मुझे चेंज पूरा दे दिया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बेवकूफ, मैं बड़बड़ाया। मैं लिविंग रूम में वापस आया जहां मेरी पत्नी टेबल सजा रही थी। जब मैं पिज्जा खा रहा था, मैं इस आदमी के बारे में भूल गया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अगले कुछ दिनों में मैंने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वही डिलीवरी मैन दिन में कई बार मेरे घर के पास से गुजरता था। पहले तो मैंने सोचा कि वो सिर्फ अपनी डिलीवरी रूट कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने उसे रात में मेरे घर के सामने रुकते देखा तो मुझे शक हुआ। वो अपनी बाइक कुछ घर दूर खड़ी कर देता था और वहां खड़ा होकर देखता रहता था। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल था। हर बार जब मैंने उसे देखा, वो मुझे ऐसे देखता जैसे उसकी नजरें मेरे भीतर उतर रही हों। एक बार हमारी नजरें मिली, उसने अपनी नजरें छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने अपनी पत्नी को यह सब बताया, लेकिन उसने मुझे शांत करने की कोशिश की, ये कहकर कि वो शायद बस अपना काम कर रहा है। उसने कहा कि शायद वो आसपास ही रहता हो, जो एक लॉजिकल बात थी, लेकिन इससे मुझे कोई शांति नहीं मिली। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। मैं उठकर धीरे धीरे खिड़की के पास गया, झांक कर देखा तो कोई घर के सामने खड़ा था, ऊपर की ओर देख रहा था। वो वही डिलीवरी मैन था। उसके हाथ में कुछ था जो मैं अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाया। मैं गुस्सा और डर दोनों महसूस कर रहा था। वो यहां क्या कर रहा था? जब मैंने नीचे जाकर उसका सामना करने गया, वो वहां से गायब हो चुका था। डिलीवरी मैन का व्यवहार और बिगड़ने लगा। उसने मुझे फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन लाइन की दूसरी तरफ बस चुप्पी रहती। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन मुझे पता था कि वो वही है। मैंने उस पिज्जेरिया में कॉल किया जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन डराने वाली बात यह थी कि उसने हफ्तों पहले नौकरी छोड़ दी थी। फिर भी वो पिज्जेरिया का यूनिफॉर्म क्यों पहने था? मैंने पुलिस से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कोई क्राइम नहीं होता, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब मुझे और मेरी पत्नी की सुरक्षा की चिंता होने लगी। एक रात एक हफ्ते के लगातार उत्पीड़न के बाद
मुझे फिर से खिड़की पर पत्थर की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। जब मैं नीचे गया और झांक कर देखा तो मैंने देखा कि किचन की खिड़की खुली हुई थी। मेरा दिल थक से रह गया। क्या मैंने सोने से पहले खिड़की बंद नहीं की थी? जब मैं किचन में पहुंचा तो मैंने खुली खिड़की से अति ठंडी हवा महसूस की। मैंने लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने बाकी घर की जांच करने का सोचा, लेकिन मुझे ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। डिलीवरी मैन वहीं किचन के कोने में खड़ा था, और ये सब नहीं था, वो फ्रेडी क्रूगर के गेटअप में था। वही ड्रीम किलर जो उस हॉरर मूवी में था। वो आदमी अभी भी मास्क पहने हुए था। वो बस मुझे देखता रहा। उसके हाथ में एक जोड़ी लंबी जंग लगी कैंची थी। मैंने दरवाजे की तरफ पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से हिला और मेरा रास्ता रोक दिया। तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? एक दो, फ्रेडी को अपने घर आने दो। निकल जाओ, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तीन चार, अपना दरवाजा बंद कर ले यार। उस आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया, और जैसे ही मैं उसे चकमा देने में कामयाब हुआ, मैंने महसूस किया कि कैंची का किनारा मेरी बांह को छू गया। दर्द से मैं चीख पड़ा। जैसे ही मेरी स्किन हल्की सी कट गई, मैं लिविंग रूम की ओर भागा, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। पाँच छः, आज तू तो गया बे। भागते हुए मैं कुर्सी से ठोकर खाकर गिर गया, लेकिन अपना संतुलन बनाए रखने में सफल रहा और एक फ्लोर लैंप पकड़कर उस पर फेंक दिया। उसका असर उस पर कुछ क्षण के लिए हुआ। सात आठ, अपनी मौत की खबर बांट। अचानक वो साइको मेरी ओर दौड़ने लगा। वो तेज था, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज। आदमी अभी भी घर के अंदर था। मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं सीढ़ियों की ओर भागा। एक बार मैं दो सीढ़ियों को चढ़ते हुए किसी तरह का रास्ता निकालने या उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कम से कम मेरी पत्नी उस रात अपनी बहन के घर गई थी, जिसका मतलब था कि वो खतरे में नहीं थी। मैं मास्टर बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसकी कदमों की आवाज सुनी जो सीढ़ियां चढ़ रही थी। वो इस दौड़ का हर सेकंड का लुफ्त उठा रहा था। मेरी आंखें बेहताशा कुछ ऐसा ढूंढने लगी जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। अचानक सब कुछ शांत हो गया, कदमों की आवाज थम गई, और अब केवल मेरी भारी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। नौ दस, मेरे पास आ जाओ बस। वो आदमी अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, और उसकी वेशभूषा, उसका गाना और उसकी कैंची ने उसे सफल बना दिया था। एक हताश कदम के रूप में मैंने पूरी ताकत से दरवाजे के खिलाफ खुद को फेंक दिया। उसकी अस्थायी हैरानी का फायदा उठाकर मैंने हॉलवे की ओर दौड़ लगाई और गेस्ट रूम की तरफ भागा। मैं गेस्ट रूम तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की बंद और लॉक थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं वहां हमेशा नहीं रह सकता। मैंने फिर से उसके कदमों की आवाज सुनी और मेरा दिमाग रास्ता ढूंढने की कोशिश तेजी से करने लगा। आखिरकार मैंने तय किया कि मेरा एकमात्र विकल्प उसका सामना करना था। मुझे पता था कि अगर मैं उससे कैंची छीन सकता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अलमारी में एक पुराना टूल बॉक्स मिला और मैंने उसमें से हथौड़ा निकाला। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे पास यही था। हैं, छिपना बंद करो। तुम जानते हो कि फ्रेडी तुम्हें ढूंढ ही लेगा, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें सोना ही पड़ेगा, है ना? मैंने गहरी सांस ली, खुद को अनिवार्य के लिए तैयार किया। जब दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई, मुझे पता था कि उसके अंदर आने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। मैं खिड़की की ओर बढ़ा, ये जानकर कि मुझे भागने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, दरवाजा टूट गया। वो साइको अंदर आया, अभी भी फ्रेडी क्रूगर का मास्क पहने हुए, हाथ में कैंची लिए हुए। उसने मुझ पर हमला किया। कैंची को मेरे सीने में घोंपने के लिए बेताब था। मैं पीछे हटकर उसे चकमा देने में कामयाब हो पाया, और उसकी हैरानी के लिए मैंने हथौड़ा निकालकर उसके सिर पर मारने की कोशिश की। मैं उसे सही से मार नहीं पाया, लेकिन वो लड़खड़ा गया, जिससे वो थोड़ा पीछे हट गया। मैंने मौके का फायदा उठाकर खुद को उस पर फेंक दिया। मैं उसके ऊपर गिर पड़ा और बेरहमी से उसे मारने लगा, लेकिन तभी मुझे पैर में चुभन महसूस हुई, जिससे मैं गिर पड़ा। उसने मुझे कैंची मार दी थी। मैं दर्द से बगल में गिर पड़ा और हथौड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और मुझे कमरे से बाहर धकेल दिया। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि कैंची मेरे पैर पे थी। मैं अपने हत्था था। मैंने हथौड़े से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया।
उसके पीछे हटने से वो मेरे कमरे के बीच में आ गया। मैंने इस अवसर का इस्तेमाल किया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर से बंद कर दिया। आदमी ने बेहताशा दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मैंने उसे अंदर बंद रखते हुए कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। कुछ सेकेंड्स बाद उस आदमी ने दरवाजे को धक्का देना बंद कर दिया और मैंने कांच में से एक आवाज सुनी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला सोचते हुए कि मैं एक भयानक गलती कर रहा था। मैं खिड़की की ओर गया और उसे भागते हुए देखा। गिरने के बाद वो घायल हो गया था लेकिन फिर भी भाग रहा था। मैंने सब कुछ पुलिस को रिपोर्ट किया और उन्होंने उसे कुछ दिन में पकड़ लिया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़े ही समय में उसने पहले ही 4 और लोगों को मार दिया था। उसका नाम डैनियल गोंजाला था और कुछ समय बाद उसे फ्रेडी क्रूएगर किलर के रूप में पहचाना गया। एक आदमी जो फ्रेडी या जेसन के रूप में भैंस बदलकर बिना किसी कारण के लोगों को मारता था सिर्फ मारने के मजे के लिए। डैनियल ने कोई अपराध कबूल नहीं किया इसलिए कुछ ही हफ्तों की पुष्टि हो सकी, लेकिन यह माना जाता है कि उसने जितने लोगों की भी हत्या की थी उससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं ये नहीं सोचता कि अगर चीजें थोड़ी अलग होती तो मेरी पत्नी और मैं भी उसी लिस्ट में होते।